हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी चिकन शवरमा, जो हम अक्सर खाते हैं पार्टियों में और बाहर जाके एंजॉय करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया था, बड़े पीसेस थे मेरे पास 3 बोनलेस चिकन के, अवेलेबल आराम से हो जाते हैं मार्केट में। और ये मेरे पास कुछ मसाले थे, सॉल्ट था, रेड चिली था, टर्मरिक पाउडर था, कोरिएंडर पाउडर था, ब्लैक पेपर था एंड तंदूरी मसाला। सारे मेरे पास 1 टीस्पून के करीब मसाले हैं। और यहाँ मेरे पास था कर्ट 1 कप, मेयोनीज थी मेरे पास, और यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून था जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो देख लें सारे इंग्रेडिएंट्स को। सो अब हम ऐड कर देंगे अपने सारे सूखे स्पाइसेस अपने चिकन में। अगर आपके पास पाउडर हो जिंजर गार्लिक पेस्ट का तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, जो मैंने घर में मेरा पिसा हुआ है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑफ कर्ड। कर्ड याद रखें, आप गाढ़ा वाला ही यूज़ करें। मेरे पास एक गाढ़ा था कर्ड, पतला आपका कर्ड नहीं हो। और यहाँ पर इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। फाइनली हम यहाँ ऐड कर देंगे मेयोनीज, जो बहुत अच्छा टेक्सचर एंड बहुत अच्छा फ्लेवर देती है हमारे चिकन तंदूरी में। मिक्स करेंगे अच्छे से। एंड ये मिक्स हो चुका है हमारे मसाला सारे। कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं। तो आजकल के टाइम में कोविड के चक्कर में लोग इतने डर चुके हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ अभी भी बाहर से चीज़ें परचेज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है। तो आप ये देखें और अपने घर में एंजॉय करें। एंड यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया है प्लास्टिक शीट से। एंड हम इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे 2 घंटे के बाद। 2 घंटे बाद हम आपसे मिले हैं। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं हमारे ओवर। अब हम देखते हैं कि हमारा चिकन है कैसा। तो देखिए ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। मिक्स कर देंगे अपने मसाला को। हो सके तो आप 2 मिनट के लिए रखें। आगे बढ़ते हैं। एंड यू कैन सी हेयर कि मैंने पैन मेरा प्री हीटेड हो चुका था। तो मैं यहाँ पे 2 बिग स्पून के करीब डालूँगी ऑयल। हम ऑयल यहाँ पे इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छे से अपने चिकन को गलाना है और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो तेल में यहाँ पे हमें कंजूसी नहीं करनी है। तो ये हीटअप हो चुका था। यहाँ पे मैं अब ऐड कर दूंगी 1-1 करके चिकन के पीसेस। पहला पीस गया हमारा चिकन का। सारे पीसेस हम यहीं पे अच्छे से। तो हमारे 3 पीसेस ऐड हो चुके हैं पैन में। फ्लेम हमको शुरू में हाई रखनी है अपनी, और जितना हमारा रिमेनिंग पेस्ट है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, फेंकेंगे नहीं, सारा पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम हमारी अभी भी हाई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पीसेस को बीच बीच में हम फ्लिप करते रहेंगे, जिससे हमारा चिकन जो है वो जले नहीं। और ज़्यादा देर नहीं लेगा आपका चिकन पकने में, क्योंकि हमने मैरिनेशन के लिए रख ही दिया था, तो इतना टाइम भी नहीं लेगा। अब हम कवर कर देंगे 20 मिनट्स के लिए। ओके देन आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ अपनी वेजिटेबल्स ले ली थी, जो कि हैं कैबेज 3
अनियंस एंड 1 कैरेट। तो आफ्टर 20 मिनट्स आप देख सकते हैं रिजल्ट जो हमें चाहिए थे वही रिजल्ट निकल के आए हैं। यहाँ पर ऐसे ही हमें अपना चिकन चाहिए था और वैसे ही हो चुका है। तो मैं कह रही हूँ ना, आराम से ही घर में बन जाता है, कोई टेंशन ना लें। अगर लॉकडाउन भी है तो आप इंजॉय करें इसे घर में बना के, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोयले का वाफ दे दूँगी। एक फॉइल पेपर की मैंने यहाँ पे बाउल बनाया छोटा सा और यहाँ पे मैं कोयला रख दूँगी और उस पर आपके पास घी है घी डाल दें या आपके पास ऑयल है आप ऑयल ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं इसे 1 मिनट के लिए रख दूँगी बस। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है, मैं ऐसे निकाल लूँगी क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा ये धुएं की स्मेल जो होती है वो पसंद नहीं है, तो मैंने ज़्यादा नहीं करा। आपको ज़्यादा पसंद है आप 2 मिनट्स के लिए रखते हैं। तो ये भी हो चुका था हमारा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखें ये जितने हमारे चिकन पीसेस थे हमने पैन में यहाँ निकाल लिए हैं एक चॉपर प्लेट पे और हम इसे कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, यहाँ पे कट कर लेंगे। तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं शवरमे वाली बन चुकी हूँ, जो यकीन नहीं मानेंगे बिल्कुल मैं ऐसी लग रही थी शवरमे वाली बन चुकी हूँ मैं। मेरी मम्मा ने तो मुझ पर यही कमेंट करी, बेटा बिल्कुल शवरमे वाली लग रही हो तुम। एज़ यू कैन सी हमारे सारे पीसेस कट चुके हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम देखते हैं आगे। तो ये देखिए मैंने आपको शुरू में जो सैलेड दिखाई थी वो हमने यहाँ पे सैलेड तैयार कर ली है। स्टफिंग बोल दें आप इसे या आप सैलेड बोलते हैं कुछ भी, इसे हम रख देंगे साइड में। अब हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे सॉस जो हम सबसे पहले अपनी रोटी पे लगाएंगे वो वाली सॉस। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज ली थी 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ली है पास्ता सॉस। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला एंड ब्लैक पेपर। मिक्स करेंगे अच्छे से दोनों चीज़ों को, मिक्स इट वेल। देखिए सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनके हमारी, फटाफट झटपट हमने सॉस भी बना ही ली अपनी। अब आप देखें अब हम करेंगे अपना शवरमा बनाने की तैयारी। तो चिकन भी रेडी था, सलाद भी रेडी थी, सॉस भी रेडी थी और ये जो रोटियाँ थी आप इसे टॉर्टिलास कहते हैं, तो टॉर्टिलास भी हमारे रेडी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है मैंने ये रोटी या ये टॉर्टिलास या कैसे बनाई है तो कमेंट मी बिलो इफ़ यू नीड अ वीडियो, तो मैं अलग से वीडियो इसकी शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, बनाना करते हैं शवरमा। तो यहाँ पर मैंने एक टॉर्टिला ली थी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने आपको दिखाई थी मेयोनीज की और पास्ता की, वो ये सॉस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है हमें कुछ भी लगाने में, बहुत अच्छे से लगाना है हमें हर चीज़, तभी फ्लेवर आएगा हमारे शवरमे में। तो ये देखिए लग चुकी है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपनी स्टफिंग अंदर की। तो ये भी हमारी डल चुकी है यहाँ पे एंड अब हम करेंगे चिकन मेन जो हमारा शवरमे का है। चिकन ऐड करेंगे अच्छे से, खूब अच्छे से डालेंगे तंदूरी चिकन अपना अंदर एंड ऊपर से हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे कोरिएंडर लीव्स। अगर आपको चिकन कम लगे तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, जितना आपको अच्छा लगे चिकन आप उतना ही डालें। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मेयोनीज, ये एगलेस मेयोनी थी, ये भी मैंने घर में बनाई थी मेयोनी। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट मी बिलो इफ़ यू नीड। एंड देन आई टेक अ बटर पेपर टू रोल दिस शवरमा इनटू इट। तो हम इसको ऐसे करके मोड़ेंगे अंदर से, इसको बस ऐसे रोल करते रहेंगे और ये देखिए रोल हो चुका है, रेडी हो चुका है हमारा 1 रोल बनके। बहुत ही अमेजिंग, बहुत टेस्टी बना था, प्लीज़ ट्राई टू योर होम्स एंड कमेंट मी कैसा बना। और ऐसे ही हम अपने जितनी भी हमारी रोटियां हैं ऐसे ही हम सारे बना लेंगे, सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे सारे रोल्स में।
तो देखिए सेकंड वाला भी हमारा बनके रेडी हो चुका था। ऐसे हम बाकी और बना लेंगे। सो देन आप देख सकते हैं रोल्स हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे हमारे तंदूरी चिकन शवरमा। तो इसे हमने सर्व किया है मेयोनीज के साथ और थोड़ी सी सैलेड के साथ। इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं और कोई मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत सिंपल स्टेप है। मैंने ये वीडियो शेयर करी है आपके साथ। सो इफ़ यू लाइक माय रेसिपी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बनाएं ये कैसी बनी आपके घर में। ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। सो इफ़ यू नीड मोर नोटिफिकेशंस ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दुआएं मुझे याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।